पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष कप्तान अजय सिंह यादव ने अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता की और कहा कि पार्टी नहीं चाहती कि वो चुनाव लड़े, इसलिए बेटा चिरंजीव राव रेवाड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ेगा। वहीं कप्तान अजय सिंह यादव ने बीजेपी और राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी द्वारा नोटबंदी और GST लागू करने से आर्थिक मंदी के हालात बने हुए हैं और राव इंद्रजीत सिंह बेटी आरती राव के टिकट के लिए इस्तीफा देने की पेशकश कर रहे हैं। अच्छा होता कि मनेठी एम्स के मामले पर राव इंद्रजीत सिंह इस्तीफा देते। राव इंद्रजीत सिंह सिर्फ स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। बता दें कि 1952 में कप्तान अजय सिंह यादव के पिता राव अभय सिंह रेवाड़ी से विधायक हुआ करते थे और 1989 में कप्तान अजय सिंह यादव रेवाड़ी से विधायक चुने गए थे, जिसके बाद वो लगातार 6 बार विधायक रहे थे, लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और अब बेटा चिरंजीव राव कांग्रेस की टिकट लेकर चुनावी मैदान में उतरा है। चिरंजीव राव का कहना है कि 3 अक्टूबर को वो नामांकन करेंगे, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री व उनके साले तेजस्वी यादव शामिल होंगे। हम लोग 3 अक्टूबर को सुबह 10 बजे इकट्ठे होंगे हमारे निवास स्थान मॉल टाउन के ऊपर, और यहाँ से हम लोग सेक्रेटेरिएट जाकर नामांकन भरेंगे। और मेरे नामांकन के अंदर मेरे पिता कैप्टन अजय यादव, पार्टी के काफ़ी सीनियर नेता, और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शामिल होंगे। तो क्या रहेगा, क्या बड़े मुद्दे मानते हैं आप, जिस तरह से पहली बार आपका विधानसभा चुनाव है? देखिए, आज के समय के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का मुद्दा है, और जिस तरह से हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं उनको फैक्ट्रियों से निकाला जा रहा है और कितने सारे साथियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारा होगा। उसके अलावा महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, बाज़ार के अंदर आप देख रहे हैं किस हिसाब की मंदी है। बाज़ार के अंदर पिछले दिनों मुझे जाने का मौका मिला और दिवाली का सीज़न होने के बावजूद आज कुछ काम हमारे व्यापारी भाइयों के पास नहीं है, इससे पता चलता है कि हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। अभी जो कैबिनेट मंत्री का भी टिकट काटा गया, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि बड़ी अजीब बात है कि एक सीनियर मंत्री का टिकट काटा गया, और इस तरह की चर्चाएँ हैं कि राव इंद्रजीत जी ने उनकी टिकट कटवाई है। इससे पता चलता है कि भाजपा अपने दबाव में आकर इन्होंने उनकी टिकट काटी है। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई नरवीर जी को अगर अपमानित हो रहे हैं वो, तो उनको पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि मेरे पिता 1952 में पहला चुनाव लड़े थे और भारी मतों जीते थे, और उसी कड़ी में उनकी वजह से, उनके कामों की वजह से, उनकी नेक जो जिस प्रकार की उनकी जो छवि थी उसके तौर पे मुझे जो है 1989 में मैं पहला चुनाव लड़ा और 2074 लगातार मैं रहा। अब मैं लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था मैं, क्योंकि मैं प्रचार समिति का चेयरमैन हूँ पूरे अपने हरियाणा का, तो मेरी और जगह भी ड्यूटी लग सकती है जहाँ VIPs वगैरह आए हों। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज जो है जो आर्थिक मंदी पूरे देश में आ रही है उसका मुख्य कारण GST और नोटबंदी है। आज व्यापारी जो हैं वो अपने घर बैठे हुए हैं, अपने दुकानों के अंदर कोई काम नहीं है, और किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिला। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी 4,000 रुपये महीने का, उनका नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो नुमाइंदे हैं राव इंद्रजीत सिंह जी, अपनी बेटी के लिए इस्तीफा दे रहे हैं कि टिकट ना मिले। अच्छा ये होता अगर जब एम्स की घोषणा यहाँ पर हुई थी पहले और उसके बाद उसको नकार देगा, उस टाइम इस्तीफा देते या मेडिकल कॉलेज की इस्तीफा देते, तो मैं मानता कि वो अपने जनता के प्रति समर्पित हैं। तो ये उनकी स्वार्थपूर्ण जो है राजनीति में देखकर मैं बड़ा दंग रह गया हूँ कि इतने परिपक्व नेता होते हुए भी आज ऐसी चूक कैसे कर बैठे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है। अभी क्लर्कों की भर्ती हुई, 9 लोग तो उसमें जो है आप जानते हैं उसमें जो है बेचारे ट्रैवलिंग करते हुए मर गए। और अभी अंबाला के अंदर पेपर लीक का मामला सामने आया है। अंबाला का एक पंजाब का युवक खड़ा, तहसीलदार में लीक होने के बाद भी, पेपर लीक होने के बाद भी वो उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया। SSC का जो है हरियाणा सबॉर्डिनेट सर्विस जो कमीशन है उसके चेयरमैन को सस्पेंड किया करप्शन चार्जिंग पे, 6 महीने बाद उनको दोबारा बहाल कर दिया। तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ है?
दूसरा अभी बातचीत कर रहे थे साहब रोहतक में जाएंगे, हुड्डा साहब रेवाड़ी में करेंगे प्रचार। नहीं, मेरे को जैसे ये हुआ था कि आप बोल रहे थे कि भीतर घात कहीं ना कहीं ऐसा है कि मेरी और दीपेंद्र जी की बात हुई थी तो कह रहे थे हम आपको झज्जर बुलाएंगे, बादी बुलाएंगे और वो भी यहाँ पर आएंगे, तो उनकी तरफ से जो पेशकश आई मैंने स्वीकार की है और मैं समझता हूँ कि आज मौका इस बात का है कि हम सब मिलके चलें। कैंपेन किस तरह से चलेगा जो प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं? अभी हमने जो है एक टोल फ्री हमने नंबर किया गया है, वो टोल फ्री नंबर मैं आपको आपको भी लिखवा दूंगा मैं, वो जो है हमने अभी लॉन्च किया है जिसमें कोई भी अपने सुझाव, हमारा भी मैनिफेस्टो आने वाला है उस पर सुझाव को दे सकते हैं और कोई जो सरकार की विफलताएं उसके बारे में अपना, वो हमने भी लॉन्च किया था गुड़गांव में, मैंने शैलजा जी ने, कुलदीप बिश्नोई जी ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो हमारा मैनिफेस्टो आएगा उससे जनता के सुझाव भी हम ले रहे हैं और साथ साथ जो सरकार की विफलताएं उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी।